और मेरी और भी जगह हैं जो इस गैर खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूरत है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगे कि ये ही गलत और एक ही जवाब होगा। तो इससे मालूम होता है कि इधर के बाद लोग कसर से आप पर ईमान लाएंगे और कुछ कुर्बानी वगैरह करेंगे। और जीतने हैं कि आपकी कुल उम्र 120 साल थी, वाकई जीत के वक्त आपकी उम्र 34 साल थी। तो इसमें हल लिखा रहता है तो इस 34 साल की उम्र में करीबन हर भाई ने इंजीनियर की उसने आपकी तालीम मौजदा इलाम के अलावा और भी वाकत उलंघन किए हैं और वाकत जिसके बाद आपकी उम्र करीबन 96 साल बनती है। तो इस नबी उम्र में तारीख मस्जिद शरीफ से बिल्कुल खामोश क्यों है, ना कोई हवाले मिलता ना कोई मौजदा को बताता हूँ। वजह यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मुनी जुमा पैदा हुए थे जो तौहीद पर कायम रहे वो सारे मुसलमान बन गए, जैसा कि हिरात के वाक्य से साबित हुआ है। जो रिसर्च स्कॉलर ऑक्सफर्ड से हिरात गए और वहाँ तहकीक के बाद उन्होंने अपनी किताब शायद की जिसका नाम है अमन दी दरवेश, जो ऑक्सफर्ड प्रेस से शायद हुई अगले बारे उसको पढ़ कर देख रहे हैं। उसमें वो स्कॉलर लिखते हैं कि हमें हिरात में जब हम जहाँ हम दरवेशों के कवायद की तहकीक के लिए गए थे एक ऐसे कबीले का इलम हुआ जो मूसावी एक कबीला है, उसका नाम मूसाई मूसा का कबीला है। उसका मदद ईसाई मुसलमान है। जब हमने ये सुना, मैंने ये सुना वो लिखते हैं कि ये अपने आप को ईसाई मुसलमान कहते हैं तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। या ईसाई के हैं या मुसलमान के हैं, ये दोनों बातें कैसी कहते हैं। तो इस जस्तजू में मैं उनके लीडर से मिला जिनका नाम अब्बा यहया है। अब्बा यहया से जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि हम इसलिए अपने आप को ईसाई मुसलमान कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये एहसान था कि हमें उन्होंने सच्ची तालीम दी, तौहीद पर कायम किया और इतनी ऐसी तबीयत की कि हम इस्लाम को कबूल करने के अहम बन गए। पहले हम ईसाई थे और उनकी पाक तालीम की वजह से हमने मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया, इसलिए अपने पुराने मोहसिन का नाम जिंदा रखने के लिए हमने अपने आप को ईसाई मुसलमान कहना पसंद किया। इसने हमसे पूछा कि किस ईसा की बात कर रहा है, वो तो वाकई जमीन का खत्म हो गया। इसने कहते उसने मुझे जवाब दिया कि तुम्हें गलत कह रही है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा बचे, वहाँ से उन्होंने हिजरत की, हम भी बनी इसराइल में सुधार थे, हमें उन्होंने तबलीग की, हम उनकी तबलीग से ईसाई बन गए और जो बाइबल उन्होंने हमारे पास छोड़ी है वो उन्होंने दिखाई कि रोज की सूरत से अभी तक हमारे पास महफूज है। कहते हैं उस न्यू टेस्टामेंट में जो ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे पास छोड़ी उसमें किसी तस्वीर का जिक्र नहीं, किसी जाहिरी खुदा के बेटे का जिक्र नहीं, खालिद तौहीद की उसका पैगाम है। और क्योंकि हमने सच्चे मसीह को कबूल किया ना कि फर्जी मसीह को, इसलिए जब इस्लाम का पैगाम पहुंचा तो ईसा अलैहिस्सलाम की बिजनेस के मुताबिक हम मुसलमान हो गए। अब ये आप देख रहे हैं कि बनी इसराइल या अफगानिस्तान में या कश्मीर में, ठीक है, बाकी हिंदुस्तान में बनी इसराइल नहीं मिलते, उनके ट्रीटमेंट अलग, उनकी तरह गुफ्तु अलग, उनकी रवायात अलग, उनका नाम उनके इस्लाम कल्चर अलग, इनकी शक्ल सूरत, इनके रंग, इनके नाम, उनके इलाकों के नाम, ये सारे दिल्ली के नामों भी आते जाते हैं। तो दो इलाके हैं, एक अफगानिस्तान और एक कश्मीर, और ये सारे मुसलमान हो गए, पूरे का पूरा अफगानिस्तान मुसलमान हो गया और पूरा कश्मीर वो हिस्सा जो बनी से ईसा मुसलमान हो गया। तो इन्होंने बातों को संभाल के रखने के लिए खुदूस खुदूसियत से झगड़े को नहीं था। जब इस्लाम में इनकी तारीख दर्ज हो गई लेकिन उससे पहले कौन वाक्य हुआ, और वो ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कश्मीर की जिंदगी के दौरान उनको बुद्धिस्ट ने कबूल किया और अपने गुरु लीडर के तौर पर कबूल कर लिया।
کیونکہ حضرت بدھ مہاتما گوتم مہاتما بدھ نے جو گوتم بدھ کہلاتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 برس پہلے نکلوئی کی تھی کہ میرے پاس ایک اور بدھ آئے گا جو 500 برس والا آئے گا اور اس الفاظ ایسے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ غیر ملکی بدھ ہوگا کسی اور جگہ سے آئے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی تعلیم اسی طرح اہنسا کی عدم تشدد کی تعلیم تھی تو ان کو انہوں نے اپنا لیا اور بدھا کری خطاب دے دیا. اس لیے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ بہت اکثر ان کے ماننے والے ان کو اس بدھا کی پیشگوئی کا مذاق سمجھتے تھے اور بدھا ہی کہنے لگتے ہیں. اس کی مثال ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جماعت احمدیہ مسیح موعود کے نام سے یاد کرتی ہے اور امام مہدی کا کم ذکر ملتا ہے. دو ٹائٹل جو تھے ان میں مسیح کا ٹائٹل زیادہ مقبول ہوا کیونکہ مسیح کی آمد ثانی سے اس کا تعلق تھا. تو اسی طرح ٹائٹل کے طور پر ان کو بدھا کہنے جاتا ہے اور اب بھی بدھوں کی تحریروں اور ان کی تختیوں پر نیپال کا حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے لیکن بدھا کے طور پر. قوالی کے پیٹ کے پیدا ہونے کی جو کہانی بدھوں میں رواج پا رہی ہے وہ دراصل حضرت مسیح کی ہے. تو کنفیوژن اس سے پہلے پیدا ہو چکا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہی تعلیم ہے جو بدھا کی تعلیم ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں. اس پر جب اسلام آیا تو یہ سارے کسان مسلمان ہو گئے اس لیے ٹریس کرنا مشکل ہو گیا. لیکن یہ سوال کہ کچھ تو نشان دائر ہونا چاہیے یہ آج کے زمانے میں ایک عیسائی اسکالر نے حل کر دیا. جب افغانستان کی طرف اس نے اشارہ کیا اور میں خود دیکھ کے آیا ہوں پرانا اسکور عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں آج تک موجود ہے. میں نے اس پر تحقیق کے لیے آدمی مقرر کیے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس اسکور کی کاپیاں مل جائیں اس کے اوپر ہمارے تک ہم اس تک پہنچ سکیں. اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا انقلابی نشان احمدیت کے حق میں پیدا ہوگا ان شاء اللہ. ظہور مہدی آخر زمان